हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दर रिज़र्व्स इन इंडिया एंड दिस सेशन दिस स्थापना वीडियो विल बी दी फर्स्ट पार्ट ऑफ़ दिस टू वीडियो सीरीज़ जहां पर हम इंडिया के बायोस्फेयर रिजर्व्स का डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं तो इस सेशन को चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं बट बिफोर दैट मैं आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि सिविल स्टैफ ने अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को टारगेट करते हुए भी एक्साइटिंग uh, कोर्सेज को लॉन्च किया है और अगर आप इन स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या इन कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए और इसी के साथ अगर आपको इन वीडियोज़ से फायदा हो रहा है और अगर आपको इन वीडियोस में जो भी कंटेंट या जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उससे आपकी प्रिपरेशन को कुछ फायदा मिल रहा है तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब दोस्तों चलिए स्टार्ट कर सकते हैं विदेज स्थापना प्रोग्राम और मैब प्रोग्राम जो है वर्ल्ड ओवर बायोस्फेर रिजर्व्स के नेटवर्क को मेंटेन करने का एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को एक एजेंसी ने इनिशिएट किया है कौन सी वो एजेंसी है वो आपको बताना है ऑप्शन आर डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑप्शन बी इंटरनेशनल फंड फॉर नेचर ऑप्शन सी एंड यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूनेस्को यूनेस्को फ्रेंड्स बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की और दो इंपॉर्टेंट काम यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं जो अगर मैं इन्वायरमेंट की दृष्टि से बात करूं तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या वो दो प्रोग्राम है सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जिसके थ्रू हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है तो आप सभी सुनते होंगे कि इंडिया में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है कि इंडिया में देर आर वेरियस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और उन हेरिटेज साइट्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं कल्चरल हेरिटेज जहां पर ह्यूमन मेड मॉन्यूमेंट्स ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमन आर्ट स्कल्प्टर इसकी कल्चर को सेफगार्ड किया जाता है और दूसरी तरीके की हेरिटेज साइट्स हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स कुछ ऐसी लोकेशंस वर्ल्ड ओवर जहां पर जो नेचुरल वेल्थ है जो बायोडावर्सिटी है एनिमल एंड प्लांट किंगडम है वो बहुत ज्यादा रिच है और वो हमारे ह्यूमंस की एक हेरिटेज है तो ये जो नेचुरल हेरिटेज साइट है ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर कौन डिक्लेयर करता है यूनेस्को डिक्लेयर करता है इंडिया के पास भी यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसके बाद जो दूसरी चीज यूनेस्को कर रहा है वो कर रहा है मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम इस मैप के तहत क्या होता है चलिए वो देखते हैं आ, मैप के तहत बायोस्फेयर रिजर्व को डि, डि, डिसाइड किया जाता है उनको डिक्लेयर किया जाता है और ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है बायोस्फेयर रिजर्व की जो कि यूनेस्को के द्वारा दी जाती है और एक किस एरिया को दी जाती है जहां पर कोई नेचुरल या कल्चरल लैंडस्केप हो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और ये जो पूरा काम हो रहा है ये हो रहा है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम के अंदर जो कि 1971 से स्टार्ट हो रखा है सो नाइनटीन सेवेंटी वन से प्रोग्राम चल रहा है इसके तहत वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के अंदर देशों के अंदर जो बायोस्फेर रिजर्व हैं इनको यूनेस्को रिकोगशन देता है क्लियर हो गया इसके बाद जो बायोस्फेर रिजर्व है इसका मतलब क्या है बायोस्फेयर रिजर्व किस तरीके से बाकी प्रोटेक्टेड एरिया से अलग हैं या बाकी प्रोटेक्टेड एरिया से सिमिलर हैं सो बायोस्फेयर बहुत बड़े एरियाज होते हैं देर आर वेरी लार्ज एरियाज विच इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क और रिजर्व अलॉन्ग विद बफर जोन किसी भी बायोस्फेयर रिजर्व में बहुत अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल से बात करें तो काफ़ी नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंजर्वेशन रिजर्वस कम्युनिटी रिजर्व, रिजर्व एलिफेंट कॉरिडोर टाइगर रिजर्व्स ये बहुत सारे जो इन्वायरमेंट्स से जुड़े हुए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उन सभी इंपॉर्टेंट एरियाज़ के इन, को क्लब करके हम बायोस्फेयर रिजर्व का नाम देते हैं एंड प्रोटेक्शन मिलती है एनिमल्स एंड प्लांट्स को फ्लोरा एंड फोना को बिल्कुल जाहिर सी बात है ऑब्वियसली एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय डाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल कंजर्व की जाती है रिजर्व्स में इसके साथ बायस रिजर्व जो है इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है वो ऑब्जेक्टिव क्या है इट आल्सो वांट्स टू कंजर्व ह्यूमन कम्युनिटीज एंड देयर ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स जो कि इन्वायरमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा एसीमुलेटेड हैं राइट सो एनी एरिया विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल्सो हैज़ ह्यूमन कम्युनिटीज़ चाहे वो रूरल कम्युनिटीज़ हों ट्राइबल कम्युनिटीज़ हों रूरल कम्युनिटीज़ हैं जो कि uh, शहरों में नहीं रह रहे हैं गाँव में रह रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि आदिवासी या जनजाति लोग हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ जो वन जाति लोग हैं जो जंगलों के आसपास फॉरेस्ट के आसपास या ऐसे सेंसिटिव रीजन में हजारों आ, सालों से जो रह रहे हैं तो इन लोगों की लाइफ को कंजर्व करना भी जो है बायोस्टो रिजर्व का काम होता है क्या क्राइटेरिया है बायोस्टो रिजर्व को डिक्लेयर करने का ये क्राइटेरिया के की पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए प्री में आपसे पूछे जा सकते हैं सबसे पहले तो एक कोर एरिया होना चाहिए जो मिनिमली डिस्टर्बड हो जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड हो इसके बाद जो बाइस्वर रिजर्व है वो उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए इट शुड बी लार्ज इफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलशन ऑफ डिफरेंट कांड ऑफ एनिमल्स कोई बहुत छोटे से एरिया में हम बाइस्टर रिजर्व डिक्लेयर नहीं करते यूजली बाइस्फर रिजर्व आर डिक्लेयर ओवर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तो बहुत एक बड़े एरिया को हम बाइस्फर रिजर्व डिक्लेयेर करते हैं उसके अंदर कई नेशनल पार्कस या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडेड हो सकती हैं नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज वी आल्सो वॉन्ट टू इंश्योर कि जो लोकल कम्युनिटीज ट्राइबल्स फॉरेस्ट वेलर्स रूरल कम्युनिटीज उस प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास रह रहे हैं उनका भी कंजर्वेशन करें और उनकी पार्टिसिपेशन के थ्रू हम नेचर कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें ट्रेडिशनल और रूरल मोड्स को भी हम प्रिजर्व uh, करना चाहते हैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है दैट मैनी सच कम्युनिटीज विच आर लिविंग इन सच इको सेंसिटिव रीजन्स वो जो एग्रीकल्चर करते हैं दैट एग्रीकल्चर इज प्योरली ऑर्गेनिक बिकॉज दे डो नॉट डिपेंड ऑन मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा और इसी के साथ जो वो वैराइटीज यूज करते हैं क्रॉप की वो वैराइटीज भी काफ़ी नेचुरल वैराइटीज होती हैं हाइब्रिड वराइटीज़ जो हम आजकल कर यूज करते हैं वो वरायटीज़ नहीं होती हैं एंड दे यूज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर तो इस तरीके के मेथड्स को आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इस वजह से भी जो है बायोस्फेयर रिजर्व वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब बायोस्फेर रिजर्व की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी कैसी है इट वर्कस ऑन दी कोर बफर स्ट्रैटजीज जस्ट लाइक आर टाइगर रिजर्व सबसे पहले कोर एरिया है बारिजर्व के अंदर एक कोर एरिया होता है जो इसकी मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल यहां पर अलाउड नहीं होता है सिर्फ ह्यूमन uh, जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं ओनली देयर अलाउड सिमिलरली दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज कंपोज ऑफ एर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एनी कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर रिकग्निशन जिसको मिली हुई है सो so, किसी भी बार्स रिजर्व में जो कोर एरिया होगा कोर एरिया में कोई नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी मिलेगी कोर एरिया के आसपास होता है बफर जोन द बफर जोन सराउंड्स द कोर एरिया फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इट प्रोवाइड्स एन इंसुलेशन टू द कोर जोन इन इट्स नेचुरल कंडीशन बाहरी एक्टिविटीज से ह्यूमन इंटरफेरेंस से थोड़ा इंसुलेट करने के लिए बफर जोन लाया जाता है बफर जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं फॉर एक्जाम्पल कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं रिसर्च साइंटिफिक स्टडीज जो आप इकोलॉजी की करना चाहते हैं वो अलाउड होता है लिमिटेड इको टूरिज्म अलाउड होता है सेटलमेंट्स अलाउड होती हैं ठीक है जो विलेजर्स या ट्रेडिशनल कम्युनिटीज कई सालों से वहाँ एरिया uh, में रह रही हैं उनको uh, उनके विलेजेस को वहाँ बिल्कुल अलाउ किया जाता है टूरिज्म या फोटोग्राफी जो है मोनिटरिंग जो है एनिमल्स की वो बिल्कुल यहां पर की जाती है सो दिस एरिया ऑफ बफर जोन हैज लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी देन कम्स ट्रांजेशन जोन ट्रांजेक्शन जोन इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड हेयर टल दे फ्री टू दे आर फ्री टू कल्टिवेट वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं वो हंटिंग कर सकते हैं कुछ एनिमल्स की जिनकी हंटिंग अलाउड है इसी के साथ एग्रीकल्चर कर सकते हैं फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं सो दिस इज द कोर बफर स्ट्रैटेजी कोर एरिया बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेरेंस से आउटसाइड इंटरफेरेंस से फ्री है प्रिस्टीन कंडीशन में है नेचुरल कंडीशन में है बफर एरिया में थोड़ी बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होती है और आउटर मोस्ट ट्रांजिशन एरिया में काफी ह्यूमन एक्टिविटीज हम अलाउ करते हैं सिर्फ बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग और बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज करने वाली जो एक्टिविटीज हैं लाइक like माइनिंग हो गया लाइक like, हंटिंग uh, uh, हो गया ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज लाइक एलिफेंट एंड टाइगर्स वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है ठीक है अब दोस्तों बायोस्वे रिजर्व के फंक्शंस क्या है क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं तो देर आर थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो कंजर्वेशन किसका कंजर्वेशन करना है बायोडावर्सिटी का सो वी हैव टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज वी हैव टू कंजर्व लोकल एंडेमिक स्पीशीज और इकोसिस्टम्स एंड लैंडस्केप इनको बचाने के लिए बिल्कुल बायोस्फे रिजर्व्स का फंक्शन है इसके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा अगर बायोस्फेर रिजर्व का सही से एक्सिक्यूशन होता है बिकॉज द कोर एरिया विल हैव ऑल द एनिमल पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी इन ट्रांजेशन एरिया तो हम मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं कल्चर्स एंड कस्टम्स ह्यूमन कम्युनिटीज के उसको भी कंजर्व करना है सो वी वॉन्ट टू कंजर्व द एनिमल्स वी वॉन्ट टू कंजर्व देयर रिसोर्सेज देयर जेनेटिक रिसोर्स वी वॉन्ट टू कंजर्व ह्यूमन कल्चर एंड लाइफ ऑल्सो और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हम दोनों ह्यूमन एंड एनिमल्स की लाइफ को बचाने का काम कर रहे हैं डेवलपमेंट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वॉट सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ आर नेचुरल वेल्थ हमारा जो इकोसिस्टम सिस्टम इन्वायरमेंट है उसका डेवलपमेंट चाहते हैं उसकी कंडीशन अच्छी हों उसमें पॉल्यूशन ना हो इसी के साथ वीट ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल ऑन अ सोशो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल लेवल ऐसी डेवलपमेंट चाहते हैं हम ह्यूमन कम्यूनिटीज़ की भी जो कि सस्टेनेबल है इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचा रही है और इससे ह्यूमन्स का भी सोशो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है सस्टेनेबल तरीके से उनकी सोसाइटी उनकी इनकम उनका कल्चर जो है वो और ज्यादा विकसित हो रहा है इकोलॉजी भी जो है उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है नेचुरल कंडीशन है वो भी अच्छी हो रही है ये भी चाहते हैं और हाउ डू वी अचीव दिस वी अचीव दिस यूजिंग दी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ सच कम्युनिटीज इन कम्युनिटीज़ जो कि हजारों सालों से ऐसी कंडीशन में रह रही हैं उनको फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में उनकी हैबिट्स के बारे में फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसी हर्ब्स हैं कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें फायदा कर सकते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है और इस नॉलेज को कंजर्व करके इस नॉलेज का इस्तेमाल करके भी हम इको फ्रेंडली वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं फाइनली लॉजिस्टिक्स इज़ दी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लॉजिस्टिक्स बेसिकली मीस रिसर्च एक्टिविटीज इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग इन कंटेस्ट ऑफ लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल तो फॉर्म हम, में हमने दिया है जहां पर आप एनिमल्स प्लांट्स को उनकी नेचुरल कंडीशन में स्टडी कर सकते हो लोगों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऐसी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है जो ऐसे कंटेंट बनता है वो भी यहाँ पर रिसर्च करके बनाया जा सकता है टूरिज्म हम लोगों का अलाउ करते हैं जिससे लोगों को एन्वायरमेंट की अवेयरनेस हो और एन्वायरमेंट की अवेयरनेस होने के बाद वो एन्वायरमेंट का ख्याल रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज को कर सकें इसी के साथ जो फ्यूचर में हमारे कंजर्वेशनिस्ट या फॉरेस्ट ऑफिसर्स होने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हम बायोफे रिजर्व का यूज कर सकते हैं सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन बींग प्लेड बाय बायो रिजर्व्स अब ये देखिए क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द दब्लिशमेंट ऑफ वट तो अभी हमने देखा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है नेशनल पार्क से भी कंजर्व होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी कंजर्व होगी मरीन पार्क्स जो होते हैं मरीन एक्वेटिक एरियाज होते हैं उनसे भी कंजर्व uh, होगी लेकिन जो बायोशर रिजर्व की खास बात क्या है कि बायोडावर्सिटी के साथ साथ वी ऑल्सो वॉन्ट टू कंजर्व ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बायो इन इंडिया देर आर एटीन डेजिग्नेटेड बायसफेर रिजर्व इन इंडिया ऑल द बायसफेयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोफेर रिजर्व अब यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ लेते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायसफे रिजर्व आई हैव टोल्ड यू दैट यूनेस्को एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम जिसके अंदर से वर्ल्ड नेटवर्क जिसके अंदर से जो वर्ल्ड ओवर बायोस्फेयर रिजर्व है उनको रिकोग्निशन दी जाती है इसी मैब के अंदर वी मेक अ लिस्ट नोन एज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व एंड दिस वर्ल्ड नेटवर्क एक्चुअली इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द दिजर्व आर रिकोगग्नाइज बाई यूनेस्को जिस तरीके से रामसार साइट्स के अंदर हम बात करते हैं कि रामसार साइट या रामसार लिस्ट ज बेसिकलीफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंसिग्नेटेड बायोस्फे जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किएटल एटीन सच हॉटस्पॉट रिजर्व्स बट आउट ऑफ दीज एटीन ओनली ट्वेल्व बायोस्व आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है तो इंडिया में जो अट्ठारह बायसफेयर रिजर्व है वो मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी है नीलगिरी इन दी बॉर्डर एरिया ऑफ केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु नंदा देवी उत्तराखंड में नोकराइक इन मेघालय ग्रेट निकोबार इन निकोबार आइलैंड्स निकोबार आइलैंड का जो सदर मोस्ट आइलैंड है जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड का सदर्न ग्रुप है, है निकोबार आइलैंड्स का वहाँ पर निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार इन दी बिटवीन दी श्रीलंका एंड तमिलनाडु जो नैरो वाटर बॉडी है उसकी हम बात कर रहे हैं मानस इन आसाम सुंदर बे, वेस्ट बंगाल सिमलीपाल ओडिशा डिब्रूसाई खोवासाम दिहांग दिबांग इन अरुणाचल पचमढ़ी मध्य प्रदेश कंचनजंगा इन सिक्किम मलाई इन केरला अचानक मार अमरकंटक इन छत्तीसगढ़ गुजरात में कच्छ कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल और लद्दाख के कुछ एरिया में लोकेटेड है एंड शीशाचलम हिल्स इन दी आंध्र प्रदेश एंड पन्ना टाइगर रिजर्व ऑल्सो बायोस्फेर रिजर्व इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये के रिजर्व आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फे रिजर्व की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं 18 में से 12 बायोस्फे रिजर्व इस लिस्ट में रिकोगनाइज हैं तो ज्यादा इजी है हमें आसान करना कि कौन से बायोस्फेयर रिजर्व इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं हैं तो अभी तक हमने आसान की जो दो साइट्स हैं मानस और डिब्रू साइवा इन दोनों को रिकोग्नाइज नहीं किया है इसके अलावा अरुणाचल के दिहांग दिबांग शेषाचलम ऑफ आंध्रा कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल एंड कच्छ ऑफ गुजरात दीज आर योर सिक्स साइट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनेस्को लिस्ट अदर ऑल साइट्स आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को लिस्ट तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है सो लाइक दिस क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटेक्टेड साइट्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ रिजर्व्स बाय यूनेस्को गल्फ ऑफ मन्नार कोल्ड डेजर्ट एंड शेषाचलम हिल्स so कौन सी साइट इनमें से इंक्लूड की गई है वो हमसे पूछा गया एंड रिसेंटली जस्ट वी सॉ दैट कोल्ड डेजर्ट एंड शेषाचलम हिल्स बोथ ऑफ देम दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को बास्टर रिजर्व सो आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी ओनली द फर्स्ट इज आर करेक्ट आंसर क्लियर हो गया अब देखिए अब हम क्या करते हैं इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में दो हमारे बायोस्टर लोकेटेड हैं कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी उन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट रिजर्व ये कहा लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है 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 ठीक है जी आ, ये जो कोल्ड डेजर्ट पार्क है या रिजर्व है ये एक्चुअली सेमी एरिड जो ट्रांस हिमालयन रीजन है उस रीजन का हिस्सा है और यहां पर बेसिकली फोर लोकेशन हिमाचल की इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं सबसे पहले पिन वैली नेशनल पार्क दिस इज योर पिन वैली नेशनल पार्क लेपर्ड्स की पॉपुलेशन की हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पॉपुलेशन मिल जाती है आपको वेरियस काइंड्स ऑफ शीप की पॉपुलेशन यहाँ पर मिलती है और बर्ड्स की बहुत अच्छी बायोडावर्सिटी आपको पिन वैली में देखने को मिलती है इसके बाद चंद्रताल दिस इज योर पिन वैली नेशनल पार्क दिस इज योर चंद्राताल चंद्रताल इज लोकेटेड हेयर इट इज़ अ ग्लेशियर फ्रेश वाटर लेक एंड सम कंसिडर टू बी दी लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश एक्चुअली और ये हमारा चंद्रताल है फिर सरचू सरचू लोकेटेड है विद दी लद्दाख बॉर्डर यह अगेन एक सेमी एरिड रीजन है जो आ, हिमाचल से लद्दाख में जब आप एंट्री लेते हैं कीलोंग के हाईवे से दिस इज द रीजन विच फॉल्स देयर एंड केबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड अगेन इन दी लाहौल स्पीति रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर जो पूरा रीजन है इसको हम कोल्ड डेजर्ट बासफे रिजर्व के नाम से जानते हैं ठीक है लोकेशन क्लियर हो गई इसके बाद उत्तराखंड स्टेट में एक बासफे रिजर्व है दैट इज नंदा देवी पासफे रिजर्व ये जो बायोस्फे रिजर्व है अगेन आपके ट्रांस हिमालयास एंड ग्रेटर हिमालयस के बीच की वैलीज में लोकेटेड है यहां पर आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज देर नंदा देवी नेशनल पार्क इज देर और ये नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स को मिलाकर के हम नंदा देवी बायोस्ेर रिजर्व बोलते हैं ठीक है इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है नाउ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बहुत फेमस नेशनल पार्क है ये फ्लारिंग uh, वैलीज के लिए जो कि स्प्रिंग और समर सीजन में यहां पर हमें देखने को मिलती है देर इज अज वैराइटी ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स एंड आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी और इसी के साथ इस बायोस्फे रिजर्व में देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो लिविंग फिफ्टीन थाउजेंड पीपल जो है वो इस बायोफेर रिजर्व के अंदर रहते हैं विलेजेस के अंदर अलग अलग सेटलमेंट्स के अंदर एंड मोस्ट ऑफ दीज विलेजेस दे आर ट्राइबल ग्रुप्स एंड दे बिलोंग टू द इंडो मंगोलोइड और इंडो आर्यन एथनिसिटीज़ जो कि हिमालयास की, की हाइयर रीचेस में रह रहे हैं नोमैडिक पेस्टोरलिज्म करते हैं या फिर एनिमल रीडिंग करते हैं और बहुत लिमिटेड लेवल पर एग्रीकल्चर करते हैं नेक्स्ट स्नोलेपर्ड्स हिमालयन ब्लैक बियर ब्राउन बियर मस्क डियर ब्लू शीप ऐसी एनिमल्स स्पीशीज भी जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इसी के साथ बहुत रिसेंटली अभी पास्ट में देयर वॉज अ ग्लेशियर आउटबर्स्ट और सम कंसिडर टू बी लैंडस्लाइड आउटबर्स्ट फ्लड इन दी हिमा उत्तराखंड स्टेट एक फ्लड uh, आया गोरी गंगा रिवर के अंदर अलकनंदा रिवर के अंदर और उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ लाइफ्स को भी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को भी जो यहाँ पर लगाए जा रहे थे तो ये जो फ्लड आया था दिस फ्लड ऑल्सो हैपन इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बेसिकली दिस नंदा देवी बासर रिजर्व के अंदर ही काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी इसी फ्लड की वजह से काफी एनिमल्स और हमारे नेचुरल वेल्थ का भी जो है नुकसान हुआ था राइट सो so, अब दोस्तों काम करते हैं लास्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज अर होमवर्क क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बासफेर रिजर्व इज लाइंग कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन टेम्परेट अल्पाइन जोन के अंदर इसमें से कौन सा बासफेयर रिजर्व पूरी तरीके से लाइक करता है यह चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट आंसर करके बताइए ऑप्शंस आर मानस बासफेर रिजर्व सुंदरबंद बासफेर रिजर्व नंदा देवी बासफेर रिजर्व एंड पचमढ़ी बासफेर रिजर्व सो so, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये स्थापना का सेशन अब हम यहाँ कंक्लूड करेंगे और इस बास्व रिजर्व के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे के स्थापना सेशन में तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद